हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लास क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे पॉलीनोमियल। टुडे वी आर डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलीनोमियल। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जनरल इक्वेशन हमारे पास पॉलीनोमियल की, उसके अकॉर्डिंग हमने एन की वैल्यू 1 पुट करके लीनियर इक्वेशन फाइंड की थी, एन इक्वल टू 2 पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की थी, n इक्वल टू 3 पुट करके क्यूबिक। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलीनोमियल, और इससे पहले हमने जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स भी फाइंड किया था। गिवन जो पॉलीनोमियल है उसको जीरो के इक्वल करके जो वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करते हो उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीरोज। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इस गिवन पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल करना होगा। इसमें देखिए वेरिएबल क्या है, x है, और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इट मीन्स गिवन पॉलीनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी जो डिग्री है, जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वही उसकी डिग्री होती है। तो डिग्री क्या होगी इसकी, 2 होगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास, इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब जितनी डिग्री होती है गिवन इक्वेशन की उतने ही उसके जीरोस फाइंड होंगे। इस केस में देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 स्प्लिट द मिडिल टर्म, जैसे कि पहले भी क्लास में हमने डिस्कस किया था और इससे पहले भी आप पढ़ कर आए। स्प्लिट द मिडिल टर्म में क्या होता है, सबसे पहले डिग्री के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग पावर्स के अकॉर्डिंग गिवन इक्वेशन को अरेंज करेंगे, या पहले से अरेंज है। देखिए इसकी पावर 2, एक्स की पावर 1 और यहाँ पर एक्स की पावर 0, तो ये ऑलरेडी अरेंज है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस का एक्स स्क्वायर है हमारे पास और प्लस का 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 6 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 एक्स स्क्वायर। अब देखिए मिडिल टर्म्स हमारे पास क्या है, 5x, 5x के 2 पार्ट्स ऐसे करते हैं, दो पार्ट्स ऐसे करते हैं कि उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर तो ये आना चाहिए रिजल्ट, और उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर ये खुद 5x आ गया। तो 5x के 2 पार्ट्स हमने सोचे 3x एंड 2x। अब इसके साथ जो साइन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए साइन हमें ऐसे यूज करना है कि दोनों ऐड होकर क्या है 5x, इट मीन्स प्लस का 3x और प्लस का 2x, प्लस के 3x प्लस का 2x कितना हो गया 5x रिजल्ट आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6x स्क्वायर आ रहा है, 3 2 जा 6, x into x, x स्क्वायर। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म में मिडिल वाली टर्म्स के 2 पार्ट्स ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स का जो मल्टीप्लाई है वो आना चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर खुद मिडिल टर्म्स आनी चाहिए। तो देखिए 2 पार्ट्स हमारे पास इसको अरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, आप इसको कैसे भी राइट कर सकते हो, प्लस के 2x को पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो तो कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 2 के पार्ट्स बनेंगे, मतलब 2 2 के पेयर। फर्स्ट पेयर हमारे पास 2 का पेयर एंड ये सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक्स है दोनों में, एक्स कॉमन है। तो याद रखिए जो चीज़ आप कॉमन लेते हो पेयर में उसी का डिवाइड करो, रफ में या देखो डिवाइड करेंगे, ये पेयर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कॉमन क्या लिया आपने एक्स, तो दोनों में एक्स का ही डिवाइड करेंगे। तो ये ट्रिक है कि जो आप कॉमन लेते हो उसी का ही हम अंदर डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ राइट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे, एक्स से एक्स कैंसिल होगी तो ये बचा एक्स प्लस का साइन, एक्स से एक्स कैंसिल ये 3 ब्रैकेट 2, तो इसमें से x कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, तो आप रफ में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ऐसे देखिए आप इसमें कॉमन के मिनिमम डिजिट हमारे पास 2 है, 2 का डिवाइड इसमें भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हो आप यहाँ पर, 2 कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, ऐसे ही आप प्रोसेस करके देख सकते हो, 2x प्लस का और प्लस का 6, कॉमन के लिए आपने 2, 2 का ही डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे बच्चा x प्लस का x मीन्स x, और प्लस का 6 में 2 का डिवाइड कर दो 3, यानी इक्वल टू 0।
अब देखिए x प्लस थ्री इसमें भी आपको नजर आ रहा है और इसमें भी, तो x प्लस थ्री कॉमन ले लेंगे दोनों में, x प्लस थ्री कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस टू, और ये किसके इक्वल चल रहा है जीरो। अब देखिए ये दोनों जीरो के इक्वल है तो ये अलग अलग भी जीरो के इक्वल होगा, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हेयर एंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो। प्लस के थ्री को अगर ट्रांसफर करते हैं तो आपको पता है इक्वेशन के अंदर अपोजिट साइन हो जाते हैं माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस टू, और एक्स प्लस के टू को अगर ट्रांसफर करेंगे आर एच एस में तो ये माइनस का टू, तो एक्स की टू वैल्यूज आई, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी है यहाँ पर टू, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही हमारे पास क्या आते हैं उसके सॉल्यूशन आते हैं, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस टू, टू जीरोज, इन्हें क्या बोलते हैं हम जीरोज बोलते हैं, और यही सॉल्यूशन भी होता है और ये रूट भी होता है, तो एक ही नाम है रूट जीरोज सॉल्यूशन। गिवन पॉलीनोमियल की जो हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं उन्हें जीरोज भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं और सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब देखिए जीरोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है दोनों इनको वन बाय वन क्वेश्चन में पुट करने पर ये जीरो के इक्वल देगा हमारे पास, जैसे एक्स इक्वल टू माइनस थ्री इसमें पुट किया तो चेक करके देखते हैं, नॉलेज के लिए आपको जो चेक करके, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है हमारे पास। अब सबसे पहले हम पुट करके देखते हैं एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस सिक्स, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस थ्री का स्क्वायर इट मीन माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस थ्री, प्लस का नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पर क्या है माइनस, फाइव थ्री इज फिफ्टीन एंड प्लस का सिक्स, प्लस का नाइन और प्लस का सिक्स कितना हो गया हमारे पास फिफ्टीन प्लस का, और ये माइनस का फिफ्टीन एज इट इज, प्लस फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन देखो कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया जीरो। तो वैल्यूज पुट ऐसे ही आप एक्स इक्वल टू माइनस टू भी इसमें पुट करोगे तो भी क्या आएगा जीरो आएगा, इसलिए जो एक्स की वैल्यू होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं जीरोस बोलते हैं। अब ये तो देखो जीरो, अब इनके बीच में देखिए आगे क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस जो हमारे पास जीरोस फाइंड हुए और कोफिशिएंट्स के बीच में, कोफिशिएंट क्या होते हैं हमारे पास देखिए गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट क्या होगा वन, तो जनरल इक्वेशन देखो हम राइट करते हैं इसको, ये तो एक एग्जांपल से हमने डिस्कस करके बताया था आपको, तो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो, इसको आपको याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए गिवन इक्वेशन से इसको कंपैरिजन करने पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैच हो गया वेरिएबल हमारे पास, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर ए और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर वन है, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास वन। अब देखिए एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस बी है, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर प्लस फाइव, तो बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास फाइव प्लस, और सी डायरेक्ट कंपेरिजन करने पर सी की वैल्यू किसके इक्वल है सिक्स के इक्वल, तो ए बी सी की वैल्यू जो फाइंड करेगी, तो ये कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर ए, एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास बी, और सी यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट है, और इस केस में जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम क्या मानते हैं वन, क्योंकि एवरी डिजिट वन से मल्टीप्लाई भी होती है और डिविजिबल भी होती है, तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर तो ए की वैल्यू क्या हो गई वन, एक्स का कोफिशिएंट फाइव तो बी की वैल्यू क्या होगी फाइव, और सी की वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट सिक्स। अब रिलेशनशिप हमें देखो फाइंड करना है तो हमारे पास कंडीशन होती है, देखिए आपको दो टू इक्वेशंस आपको याद रखनी, सपोज जैसे हमने ये जीरोस फाइंड किए ऐसे जनरल इक्वेशन के जीरोस हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा, जैसे हमारे पास ये टू जीरोस फाइंड हुए ऐसे हम टू जीरोस एक्स इक्वल टू एक तो अल्फा मान लेते हैं और x इक्वल टू दूसरा हम क्या मान लेते हैं बीटा, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए, इट मींस सम ऑफ जीरोस इसके इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए, तो आपको ये टू इक्वेशंस याद रखनी है रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए
सम ऑफ जीरोस गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस बी अपॉन ए के अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए के। तो ये रिलेशनशिप आ जाएगा किस किस के बीच में, कोफिशिएंट तो देखो ये और जीरोस हमारे पास ये, तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है। तो ये टू इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई सी अपॉन ए के अकॉर्डिंग। अब देखो जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसको हम चेक करके देखते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू एक हमारे पास माइनस थ्री आई, x की वैल्यू एक हमारे पास क्या आई माइनस टू। तो एक को हम अल्फा अज्यूम कर लेते हैं और एक को हम बीटा अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा की वैल्यू माइनस थ्री और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस टू अज्यूम कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू, अगर एल एच एस आर एच एस इक्वल है तो हमारा रिलेशनशिप राइट है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की। तो अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस थ्री, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस टू, माइनस वैल्यू ऑफ बी क्या है हमारे पास फाइव, एंड वैल्यू ऑफ ए क्या है वन। चेक करते देखो प्लस माइनस, ये माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस टू माइनस फाइव, माइनस फाइव इक्वल टू माइनस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, एक तो हमने फाइंड कर लिया, आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करके फाइंड करना है। अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस थ्री मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ बीटा माइनस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी सिक्स अपॉन वैल्यू ऑफ ए वन, माइनस माइनस प्लस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स इक्वल टू सिक्स, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो जब भी आपसे रिलेशनशिप फाइंड करो बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, तो ये हमारे पास जीरोस है और ये क्या है कोफिशिएंट, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस ऑलवेज आना चाहिए।